नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, रणवीर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को डिवोर्स देने वाले हैं। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आसान से मिलती रहे। तो दोस्तों आपको बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण पे शामिल हुए थे, जहां दीपिका पादुकोण ने यह बयान देते हुए कहा कि पास्ट में जब उनका ब्रेकअप हुआ था, तब वो एक साथ चार लड़कों को डेट कर रही थी, जिसमें से एक रणवीर सिंह भी थे। तो बस इसी चीज को लेकर दोस्तों काफी सारे मीम्स बन रहे हैं कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की लास्ट चॉइस थे। फिलहाल बिना किसी देर के आते मेन मुद्दे पर, कि आखिरकार रणवीर सिंह ने क्या कहा है डिवोर्स को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, रणवीर सिंह की एक इंस्टा स्टोरी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत मुझे नहीं पता, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण को अब तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर मेरा दिल टूट गया एंड मैं रो रहा हूँ। मुझे अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, ताकि मैं कुछ दिनों के लिए ही सही सुकून से रहूं। तो दोस्तों रणवीर सिंह के नाम पर यह स्टोरी बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसको देखकर तो यही लग रहा है कि यह एक एडिटेड स्टोरी है, मतलब कि फेक स्टोरी है, क्योंकि दोस्तों रणवीर सिंह के इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं लगी। एंड साथ ही साथ वो अभी भी अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण को फॉलो कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों रणवीर सिंह का एक और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जो कि है ट्विटर का, जिसको देखकर यह पता लग रहा है कि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को ट्विटर में भी ब्लॉक कर दिया, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, वो अभी भी अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को ट्विटर पर भी फॉलो करते हैं। तो इन सभी चक्रों में मत पड़े, ये सभी फेक एडिटेड स्क्रीनशॉट्स हैं। फिलहाल आप लोगों को इस बारे में क्या है कहना, हमें अपनी राय कमेंट पर दें। साथ ही साथ ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।